चौड़ा करते अभिभावक अपने बच्चों पर करते फक्र, सामाजिक सरोकार परिवार की क्रांतिकारी सोच, अभिभावकों को शिक्षा के प्रति किया जागरूक, बदली सोच, बेटों को उच्च शिक्षा की मिली गाइडेंस तो बेटियों की उच्च शिक्षा का रास्ता भी और हुआ सुगम। सामाजिक सरोकार परिवार की ओर से चलाई गई मुहिम ग्रामीण कलम करो मजबूत और लाडो सरस्वती अवार्ड का लाभ बालिकाओं को मिला। जहां अब तक गांव में बेटियों की शिक्षा के बारे में सोचा तक नहीं जाता था, वहीं अब मंच पर अभिभावक बेटे बेटियों को सम्मानित होते हुए देखते हैं। उनकी वजह से खुद सम्मानित होते हैं तो लगता है कभी जो सपना बच्चों के डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी बनने का देखा था, वो अब जल्द ही पूरा हो पाएगा। सामाजिक सरोकार परिवार ने जो विश्वास अभिभावकों को दिलाया है, उससे अभिभावकों को लगता है कि अब न केवल उनके हालात बदलेंगे बल्कि पूरे गांव के हालात बदल जाएंगे। बच्चों के कामयाब होने पर ऐसा बहुत कम होता है जब माता पिता को मंच दिया जाता है, लेकिन सामाजिक सरोकार परिवार एकमात्र ऐसी संस्था है जिसने ये पहल की, जहां 10वीं और 12वीं कक्षा में 75% अंक लाने वाले छात्रों के साथ साथ उनके माँ बाप यानी अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया। भारत माता सम्मान समारोह में छात्रों को लैपटॉप भी बांटे गए, इस बार साइकिल देकर सम्मानित किया गया। वहीं अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया, शाल और चादर उड़ाकर सम्मानित किया गया। ये पहली बार है कि किसी संस्था द्वारा अभिभावकों को सम्मान दिया गया। 38 गांव में लाइब्रेरी खोली गई है। अभिभावकों के सम्मान से दूसरे माँ बाप को भी मिली प्रेरणा। अभिभावकों की लगातार बदल रही है सोच। शिक्षा को लेकर अभिभावक हुए हैं ज्यादा जागरूक। सामाजिक सरोकार परिवार की कोशिश है छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी उत्साहित किया जा सके, ताकि वो दूसरे छात्रों और अभिभावकों के लिए प्रेरणा बन सके। बहुत बड़ा है एक तरह से देखें तो, क्योंकि पेरेंट्स भी हैं यहाँ पर और स्टूडेंट भी हैं और टीचर भी हैं। इससे क्या है, यहाँ देखने के बाद बच्चों में और क्यूरियोसिटी पैदा होगी और कुछ जानने की, ताकि उनको ये पता चलेगा कि हम यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे आगे और मोटिवेट होंगे कि हम ऐसे ऐसे अगर अच्छे मार्क्स लेंगे तो हमें आगे और सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि बच्चे हैं वही देश का एक भविष्य हैं। बहुत अच्छा काम कर रही है संस्था गांव में। जब वो ऐसे ऐसे आयोजन करेगी संस्था, लोग भलाई के काम करेंगे, मोटिवेट होगा और लोगों को जागरूक होंगे, बच्चे को पढ़ाई चाहिएगी फिर उसको कमाई भी चाहिए। जब आदमी उम्र से ज्यादा उसको दवाई भी चाहिए, इनकी जो सोच है बहुत ही वंडरफुल सोच, बहुत बढ़िया। इससे तो मतलब मैम ऐसा है, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो मतलब माँ बाप भी आगे बढ़ रहे हैं, माँ बाप को भी पता चल रहा है ना बाहर निकलने से भी, हाँ बच्चे आगे बढ़े तो हम भी आगे बढ़े। बहुत ही अच्छा प्रयास कर रही है, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, चाहे वो रोजगार के मामले में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में हो। ये संस्था हर फील्ड में मतलब बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। हम इस संस्था को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और जिसने हमारे गांव का ही नहीं बल्कि पूरे जुलाना ब्लॉक का नाम रोशन किया है। शिक्षा, दवाइयाँ, पढ़ाई, आरओ का पानी, सब बहुत बढ़िया काम चल रहे। बच्चों की पढ़ाई का काफी ध्यान दिया जा रहा है, बच्चे अच्छे नंबर ले रहे हैं अभी। बहुत अच्छा काम है जी, ये होना चाहिए कि बच्चे को इस लिए हौसला मिले कि बच्चे अच्छे पढ़े, एक दूसरा रीच करे, अच्छा प्रोग्राम है जी। सामाजिक सरोकार परिवार एक बहुत अच्छी संस्था है, सबका मान सम्मान देती है और बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। सामाजिक सरोकार परिवार है वो बता रहा है भाई आपको आगे क्या करना चाहिए, किस दिशा में आप जाना चाहते हो, पूरी मदद मिल रही है। वो हमारे लिए बहुत ही बेहतर है, बच्चे बहुत खुश हैं, अभिभावक भी बहुत ही ज़्यादा खुश है इस मामले में। इसको हम जो ना ये चाहते हैं कि इसको बढ़ा के और भी पूरे देश के अंदर जो ना मतलब सख्ती से लिया जाए। सामाजिक परिवार की तरफ से जो इनाम बच्चों को मिल रहे हैं वो बहुत ही उम्दा ये वो है कि प्रोत्साहित हो रहे हैं बच्चे, इससे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं इसके लिए। और बाकी ये जो स्कूल, ये जो हमारा परिवार है, इस परिवार ने, सामाजिक परिवार जो गांव में लाइब्रेरी वगैरह भी खुलवाई है तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ग्रामीण हरियाणा में ऐसे कई छात्र हैं जो सुविधाओं के अभाव में अपना भविष्य नहीं बना पाए। कम जागरूकता तो कभी अभिभावकों की आर्थिक मजबूरी छात्रों के भविष्य में रोड़ा बनती रही है। ऐसी ही कई खामियों को खूबियों में बदलने की कोशिश सामाजिक सरोकार परिवार की ओर से की जा रही है।
ताकि अपने बच्चों के सपनों को साकार होता देखकर हर अभिभावक को इसी तरह से मान सम्मान मिलता रहे।